चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। सभी उस वक्त के इंतजार में हैं जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी। इसकी लैंडिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। इसके लैंडिंग विक्रम के चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर विक्रम के चांद की सतह को छूने की संभावना है। हालांकि इससे पहले के आखिरी 20 मिनट काफी रिस्की होंगे, लेकिन पूरा देश चंद्रयान 3 के सफल होने की दुआएं कर रहा है। जी हां, हर कोई चाहता है कि भारत ये उपलब्धि हासिल करे। इसे लेकर प्रार्थनाएं और दुआएं की जा रही हैं। अयोध्या, हरिद्वार से लेकर मां वैष्णो देवी के मंदिर में भी चंद्रयान 3 के सफल होने की दुआएं हो रही हैं। देश भर के कई हिस्सों में यज्ञ, हवन और कीर्तन करके चंद्रयान 3 के सफल होने की दुआ की जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मां वैष्णो देवी के मंदिर में किस तरह चंद्रयान 3 के लिए दुआ की जा रही है और पूजा पाठ हो रही है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु रहेगा। और कल जो हमारा विक्रम जो है चंद्रमा की कक्षा में उतरेगा, वो सफलता पूर्वक उतरे और भारत का ये अंतरिक्ष मिशन जो है बिल्कुल सफल रहे और भारत जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी विश्व गुरु बने और पूरी दुनिया को जो है नए नए खोज करके पूरी दुनिया को उसका लाभ मिले। और हमने कहा भी है सफल होगा मां भारती का अभियान, उतरेगा चंद्रमा में हमारा चंद्रयान। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे, हमारा चंद्रयान सफल होगा। मां भारती का अभियान उतरेगा चंद्रमा में, हमारा चंद्रयान सफल होगा। मां भारती का अभियान उतरेगा चंद्रमा में, हमारा चंद्रयान सफल होगा। मां भारती का अभियान उतरेगा चंद्रमा में, हमारा चंद्रयान। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वैष्णो मैया की जय। टपकेश्वर महादेव की जय। देवभूमि उत्तराखंड की जय। हम यहाँ पे जो है देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवताओं से भी प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मिले, माँ गंगा का, यमुना का, बाबा बद्री विशाल जी का, बाबा केदारनाथ जी का और सभी देव भगवान टपकेश्वर महादेव का, वैष्णो माता का कृपा बनी रहे और कल सफल हमारा जो है अंतरिक्ष में विक्रम की लैंडिंग हो और उसके साथ जो है नए नए आयाम हम स्थापित करें। भारत माता की जय। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी चंद्रयान 3 के लिए हवन करवाया। वहीं इसके अलावा हरिद्वार के परमार्थ निकेतन घाट पर चंद्रयान 3 के लिए गंगा आरती की गई। इसके बाद हवन पूजन भी किया गया। साथ ही प्रयागराज में कीर्तन करके चंद्रयान 3 की सफलता की दुआ की गई। आप भी देखिए किस तरह देश भर में चंद्रयान 3 के सफल के लिए दुआएं की जा रही हैं।